नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पेपर। ये जो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पेपर है, इसका पोस्ट कोड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसका पोस्ट कोड जो है वो है 673। इसका पोस्ट कोड आपको पता चल गया। आज हम जो है जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। ये कम्प्लीट पेपर हमारे पास है, तो कम्प्लीट पेपर ही हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं, वैसे तो ये फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही हैं आंसर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस थे और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस थे। तो इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी का सेक्शन हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम जीके का सेक्शन डिस्कस करते हैं। 46 जो है एचपी जीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है, चांसल पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो चांसल दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उहल रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो उहल जो है वो किसकी सहायक नदी है? उहल आपको पता होना चाहिए किसकी सहायक नदी है। मिशन एचएस में भी हमने ये पिछले कल ही अभी पढ़ा था। तो ये जो है ये ब्यास की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी सही आंसर है। अब ये ब्यास की सहायक नदी है, तो मिशन एचएस में हमने ब्यास के बारे में सब कुछ जाना था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 48, चंद्रा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये चंद्रा ग्लेशियर कहाँ पर है? ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, तो आपको पता भी होगा, लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 रेणुका लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। वैसे ये सिरमौर में स्थित है। अब देखो, रेणुका मेला भी होता है, तो रेणुका मेला कब होता है? 10 डेज आफ्टर दिवाली होता है। इस मेले के बारे में मैंने आपको कम्प्लीटली बताया था अभी 2-3 दिन पहले, मिशन एचएस की जो 63 नंबर की वीडियो थी उसमें मैंने इसके बारे में बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ पर स्थित है? तो मणिकरण गर्म पानी का चश्मा जो है वो कहाँ पर है? ये कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ये तो आपको पता है। गुम्मा और द्रंग जो कि साल्ट की माइंस हैं, कहाँ पर? मंडी में। ये ऐसे एग्जैक्टली यहाँ पर इस तरह से पूछा गया है कि ये कौन सी मिनरल की माइंस हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में, गुम्मा और द्रंग। गुम्मा और द्रंग में जो है वो रॉक साल्ट की माइंस है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। तो ये जो हिमाचल प्रदेश राज्य वन वन विकास निगम लिमिटेड है, ये किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये जो था ये अस्तित्व में आया था 1974 में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, ये तो 1974 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले हमने हिमाचल प्रदेश हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट जो बोर्ड है वो कब अस्तित्व में आया था? तो वो भी 1974 में ही अस्तित्व में आया था। पिछले कल अभी हमने एक वीडियो डिस्कस की थी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसमें, तो उस वीडियो में हमने इस तरह का क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था। आई होप कि आप प्रीवियस जो वीडियोस हैं चली हुई हमारी क्वेश्चन पेपर्स की और मिशन एचएस की, उन वीडियोस को भी आप लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53, लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक इकाइयों की सर्वाधिक संख्या है? क्वेश्चन नंबर 54 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 55, भाखड़ा नंगल डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? भाखड़ा नंगल डैम का आपको पता है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, कौन सी नदी के ऊपर है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अच्छा, अभी एक परियोजना थी लुहरी परियोजना, तो लुहरी चरण एक परियोजना जो थी, उस परियोजना के बारे में आपको पता होगा ये कौन सी नदी के ऊपर बन रही है, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, ओरिजिनली हाउ मैनी टनल्स वर बिल्ट ऑन कालका शिमला रेलवे लाइन, फिर रेलवे ट्रैक। तो कालका शिमला रेलवे मार्ग जो है इसमें मूलतः कितनी सुरंगें निर्मित की गई? तो इसमें ओरिजिनली 103 सुरंगें थी। ऑप्शन डी बी जो है वो सही आंसर है, 103। क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 57, व्यास केव इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो व्यास गुफा है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो व्यास गुफा जो है वो ऑप्शन ए बिलासपुर जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, व्यास केव कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, बिल कालेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो बिल कालेश्वर मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बिल कालेश्वर मंदिर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। गुरु घंटाल गुम्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गुरु घंटाल गुम्पा जो है वो चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश हाउसेज द ओल्डेस्ट एंड हाइएस्ट गोल्फ कोर्स इन इंडिया।
हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का सबसे पुराना और सबसे ऊंचा गोल्फ का मैदान स्थित है? ये जो इंडिया का ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट गोल्फ ग्राउंड है, ये नालदेहरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, लोसर सोना चुक्सम डांस इज परफॉर्म इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो लोसर सोना चुक्सम नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में परफॉर्म किया जाता है? तो ये लोसर सोना चुक्सम डांस किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो तो वैसे तो एचपी जीके जो है इन पेपरों में आसान होती है, परंतु तीन या चार या पांच क्वेश्चन इस तरह के होंगे जो काफ़ी टिपिकल होंगे, काफ़ी डिफिकल्ट जो है वो क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चंस को क्रैक करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। अगर उन क्वेश्चंस को आपने क्रैक कर लिया, वो क्वेश्चन आपके सही हो गए, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं पर एग्जाम में जो है वो 15 नंबर की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके लिए आप दावेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कांगड़ा पेंटिंग किताब किसने लिखी? कांगड़ा पेंटिंग किताब जो थी वो लिखी गई थी एम एस रंधावा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन भागा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? तो हिमाचल प्रदेश की जो भागा वैली है उसमें सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? देखो भागा वैली में एक तो हालदा, ऑप्शन बी भी सही आंसर है, और ऑप्शन डी गोची, ये दोनों ही फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं। हालदा फेस्टिवल भी मनाया जाता है और गोची फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये दोनों प्रसिद्ध त्यौहार हैं भागा घाटी के। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस ट्रेड फेयर इन हिमाचल प्रदेश? तो ऐसा कौन सा इनमें से है जो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध व्यापार मेला है? लवी मेला ऑप्शन सी सही आंसर है। लवी मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध कौन सा है व्यापार मेला है। क्वेश्चन नंबर 65, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पहले स्पीकर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन सी सही आंसर है, जयवंत राम। जयवंत राम जो थे वो पहले स्पीकर थे हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये आप याद रखिएगा, इनके बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन थे पहले स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टेब्लाइज इन विच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी, ये तो मैं डेली बताता हूँ, डेली की मैक्सिमम टाइम डिस्कस होता है। ये ऑप्शन ए 1971 में जो था इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, लिटरेसी रेट हिमाचल का पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखो लिटरेसी रेट हिमाचल का है 82.80%, ये है ओवरऑल हिमाचल का लिटरेसी रेट। हिमाचल का मेल लिटरेसी रेट कितना है और फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, ये मैंने कई बार आपको बताया है, तो ये चीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए अगर जिन लोगों को भी इसके बारे में पता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लाइज इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, शिलारू स्टेडियम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट विच स्पोर्ट? तो शिलारू स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? देखो ये जो शिलारू स्टेडियम है ये है कहाँ पर, तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है और ये हॉकी से संबंध रखता है। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, 70 में पूछा गया है, विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर हेली स्कीइंग? हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जो हेली स्कीइंग के लिए फेमस है? हेली स्कीइंग के लिए मनाली जो है वो फेमस है। क्वेश्चन नंबर 70 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोका का सबसे लंबा शिलालेख है, शिलालेख है? तो ऑप्शन सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर है। रॉक एडिक्ट जो है ये 14 नंबर का रॉक एडिक्ट है जो सबसे पुराना है। क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज पैटर्न एज वेल एज फ्रेंड ऑफ चरका? निम्नलिखित शासकों में से कौन सा एक चरक का आशीदाता भी था और उनका अच्छा मित्र भी था? तो कनिष्क ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए सही आंसर है। अब देखो कनिष्क के द्वारा जो है वो कुछ लोगों को या फिर कुछ विद्वानों को जो है अपने दरबार में शरण दी गई थी, ये कौन कौन से थे? देखो इनमें से सबसे पहले चरक आ जाता है, नागार्जुन आ जाता है, अश्वघोष आ जाता है, वसुमित्र आ जाता है और पार्श्व आ जाता है। इन विद्वानों को जो था वो कनिष्क के द्वारा अपने दरबार में शरण दी गई थी। ये इन सभी के नाम याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पर जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, विच गॉड डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पंचदेवा या फिर पंचदेव, कौन से देव पंचदेव का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन सी इंद्र जो है वो सही है, इंद्र जो है वो पंचदेव का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच वॉज नॉट वन ऑफ प्रिंसिपल आइटम ग्रोन इन द चेरा किंगडम? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक चेरा साम्राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख वस्तु नहीं है?
चेरा राज्य में ऑप्शन सी गेहूं जो था वो नहीं उगाया जाता था, व्हीट जो है वो सही आंसर है, ये चेरा किंगडम में नहीं उगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 75। अच्छा क्वेश्चन नंबर 75 से पहले अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की PDF भी मिल जाएगी। टेलीग्राम के अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, इन विच पीरियड डिड द टू फेमस स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर इमर्जेस, किसके काल में दो प्रसिद्ध मूर्तिकला शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ था, एमर्ज हुई थी ये। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन बी सही आंसर है, कुषाण पीरियड। कुषाण पीरियड में जो था दो प्रसिद्ध मूर्तिकला शैलियों का जो था वो एमर्जेंस हुई थी। क्वेश्चन नंबर 76 है, रिलीजियस सेक्ट दैट बिंदुसारा वॉज इंटरेस्टेड इन वॉ इट वॉज, तो देखो बिंदुसार किस धार्मिक संप्रदाय में रुचि रखता था। बिंदुसार के बारे में भी कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिंदुसार जो है कौन से धर्म संप्रदाय में रुचि रखता था, तो बिंदुसार के द्वारा जो था वो आजीवन संप्रदाय में रुचि थी, ऑप्शन बी आजीवन, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है आजीवन। बिंदुसार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जो था उनका पुत्र हुआ था जिसका नाम था बिंदुसार। अब बिंदुसार गद्दी पर बैठा था तो इनको जो है किसी और नाम से भी जाना जाता था, तो इनको कौन से नाम से जाना जाता था, तो इनको अमित्रघात नाम से भी जाना जाता था, और बिंदुसार जो था वो आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था, ये आप याद रखिएगा। और बिंदुसार के बाद आए थे अशोका, ये भी आप याद रखिएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है थोड़ी सी, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउट अगेंस्ट द ईस्टर्न चालुक्य एंड पल्लवास, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी चालुक्य और पल्लवों के विरुद्ध जो था वो युद्ध लड़ा था, तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन डी सही आंसर है, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों के द्वारा जो था वो युद्ध लड़ा गया था पूर्वी चालुक्य और पल्लवों के विरुद्ध। राष्ट्रकूट वंश जो था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो थी वो दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 के बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, अमीर खुसरो कंपोज्ड नुसीफिर इन प्रेज ऑफ, तो अमीर खुसरो ने किसकी प्रशंसा में नौसीफिर की रचना की थी, तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन डी भारत इंडिया जो है वो सही आंसर है, इंडिया के प्रेज में जो था नौसीफिर की रचना की गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। पूछ ले जाए कि नौसीफिर की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 79 है, द फर्स्ट सल्तनत टू पे सोल्जर्स इन कैश इंस्टेड ऑफ इक्ताज वॉस, तो वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद भुगतान किया था। देखो पहले इक्ता प्ले किया जाता था फिर नगद भुगतान किया जाने लगा, तो किसने ये स्टार्ट किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, हु वॉज द रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर हु एस्टेब्लाइज हिज अनराइवल्ड स्वे ओवर द साउथ, तो विजयनगर के इतिहास में वो शासक कौन था जिसने दक्षिण पर अपना अद्वितीय शासन स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 80 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, कृष्ण देव राय, तो कृष्ण देव राय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, हु ट्रांसलेटेड महाभारता इन टू पर्शियन ड्यूरिंग अकबर टाइम, तो महाभारत अकबर के समय में जो था वो महाभारत का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन डी सही आंसर है। ऑल ऑफ दीज यानी कि नकीब खान, बंदायूनी और शेख सुल्तान, इन सभी के द्वारा जो था वो किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इम्पोर्टेड द यूरोपियंस फ्रॉम इंडिया, तो निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन द्वारा भारत से आयात नहीं किया जाता था, तो देखो यूरोपियन के द्वारा जो था वो भारत से परफ्यूम यानी कि इत्र जो था वो आयात नहीं किया जाता था, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्टेट ऑफ हैदराबाद, तो स्टेट ऑफ हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, तो हैदराबाद की स्थापना की गई थी चिन किलिच खान के द्वारा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 है, हाउ मैनी सिख्स गुरु वर देयर, तो कितने सिख गुरु थे, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने सिख गुरु थे आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से तो कोई भी नहीं है, तो कितने सिख गुरु थे ये इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने सिख गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 85, विद विच गवर्नर जनरल डिड टीपू सुल्तान फाइट द थर्ड मैसूर वॉर बिटवीन 1790-1792, तो 1790 और 92 के मध्य तृतीय मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान ने किस गवर्नर जनरल के साथ लड़ा था, तो ये लड़ा गया था कॉर्नवालिस के बीच साथ, या फिर कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हेन डिड
नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया, तो नादिर शाह के द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया था? क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन है 1738, 1739 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, इन विच ईयर वॉज द ड्यूल गवर्नमेंट एबोलिश, तो किस वर्ष द्वैग शासन जो था वो समाप्त कर दिया गया था? द्वैग शासन जो था वो 1772, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 87 का समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रोमिनेंट लीडर इन ब्राह्मो समाज इन महाराष्ट्र, तो निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज का प्रमुख नेता नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो सही आंसर है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो था वो महाराष्ट्र में ब्राह्मो समाज का प्रोमिनेंट लीडर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 89 है, द मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर एम्परर बहादुर शाह ड्यूरिंग द रिवर्ट ऑफ 1857 वॉज, 1857 के विद्रोह के दौरान सम्राट बहादुर शाह के सर्वाधिक विश्वसनीय सलाहकार कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, हकीम अशानुल्लाह, ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन थे, ये भी हमने डिस्कस कर लिए, इतना ही आज के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। इस पेपर का नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचाते हैं वो अगले सेक्शन में आएंगे, कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।